नमस्कार, धरोखा चैनल में आपका स्वागत है। और इस बार हम कक्षा 12वीं की जो पाठ्यपुस्तक है अंतरा, उससे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के गद्य पाठ सुमरणी के मनके के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? तो उत्तर है कि बालक से जो प्रश्न पूछे गए वो इस प्रकार थे, धर्म के कितने लक्षण होते हैं, नवरसों के उदाहरण दो, 4 डिग्री के नीचे ठंड फैल जाने के बाद भी पानी में मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं, चौथा पूछा गया था चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण क्या है आदि, इस तरह के उससे प्रश्न किए गए थे। और अब प्रश्न दूसरा, बालक ने क्यों कहा कि मैं आजन्म लोक सेवा करूंगा? उत्तर, बालक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके पिता ने उसे यही उत्तर रटा दिया था। और अब तीसरा प्रश्न, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? उत्तर है, बालक द्वारा लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस इसलिए ली क्योंकि इससे सिद्ध हो गया था कि बच्चे में उसका बचपन अभी शेष है, जिंदा है, पिता और अध्यापक उसका बचपन छीनने में लगे हैं परंतु वे उसमें सफल नहीं हुए, बच्चा ही सफल हुआ है। और अब प्रश्न चौथा है, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है, पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है, उसकी प्रवृत्तियों का गला घोंटा जाता है? उत्तर है, सभा में बालक से बड़ों द्वारा बहुत ही गंभीर विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, बालक उन प्रश्नों का उत्तर देता है, बालक के हाव भाव तथा व्यवहार से यह पता चलता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है। जैसे पहला, जब वह 8 वर्ष के बालक को नुमाइश के लिए श्रीमान हादी के सम्मुख ले जाया जाए। दूसरा, जब बालक को सभी लोग घेर कर ऐसे प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं जो उसकी उम्र के बालकों के लिए समझना ही कठिन है। तीसरा, बालक इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर असहज हो जाता था, वह प्रश्नों का उत्तर देते हुए आंखों में नहीं झांकता था बल्कि जमीन पर नजरें गड़ाए रखता है, उसका चेहरा पीला हो जाता है और आंखें भय के कारण सफेद पड़ जाती हैं, उसके चेहरे पर कृत्रिम और स्वाभाविक भाव आते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि वह स्वयं के साथ जूझ रहा था, लड़ रहा था। और अब प्रश्न पांचवा, बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरेपन का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी का सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं, कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, बालक बच गया, उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं वो इसका उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है, पहला, खेलने कूदने के प्रति आकर्षण, खाने पीने की वस्तुओं से प्रेम, बाल सुलभ जिज्ञासाओं से युक्त, गंभीरता और सयानेपन से अपरिचय। और अब घड़ी के पुर्जे के प्रश्न। पहला है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है? तो उत्तर है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग धर्म के संरक्षक होने का पाखंड करते थे वे यही तर्क देते थे कि धर्म तो घड़ी के समान है, उसमें समय देख लो बस, उसके अंदर जाकर यह जानने की चेष्टा मत करो कि वह कैसे चलती है, अर्थात धर्म के रहस्यों को समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस धर्म गुरुओं के द्वारा जो कुछ कहा जाए उस पर विश्वास करो। इस तरह लेखक ने धर्माचार्यों पर व्यंग किया है। और अब प्रश्न दूसरा, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है, पहला, धर्म संबंधी हमारे विचार इस प्रकार हैं, पहला, संसार के सभी लोग हमारे बंधु बांधव है, हमें उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा, निर्बल की सहायता करना ही धर्म है,
दया और उदारता ही धर्म की प्रमुख शिक्षा है। चौथा, सत्य का साथ देना चाहिए। और पांचवा, किसी के साथ धोखा या विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न तीसरा, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, इसी तरह धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार भी अपने समय का बोध कराते हैं। जब मनुष्य ने सामाजिक जीवन जीना आरंभ किया तो उसे परस्पर व्यवहार करने के लिए नियमों आदि की आवश्यकता पड़ी। एक बेहतर समाज संचालन के लिए धर्म नाम की संस्था का जन्म हुआ, ताकि लोग धार्मिक मान्यताओं का पालन करें और बेहतर मनुष्य बनने की ओर अग्रसर हों। सत्य, दान, सहयोग, करुणा, मैत्री, प्रेम आदि मनुष्य सभ्यता के आरंभिक समय में जीवन के सिद्धांत बने और आज भी उनकी मान्यता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, धर्मराज युधिष्ठिर का जीवन और आदर्श ऐसे ही तत्वों का प्रतीक है। और अब प्रश्न चौथा, घड़ी साजी का इम्तहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, घड़ी साजी का इम्तहान पास करने से लेखक का तात्पर्य है कि धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानने और उपदेशों का आंख मूंद कर पालन करने वालों के बजाय जो लोग धर्म के मर्म को जानते हैं, उसका जिन्होंने अध्ययन किया है, वे इस घड़ी साज के समान ही होते हैं। जिसने घड़ी साजी सीख ली है और उसका कुशल कारीगर भी बन गया है। और अब प्रश्न पांचवा, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्रों, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडे पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। उत्तर है, अगर धर्म कुछ विशेष लोगों के ही कब्जे में रहेगा तो उससे समाज में बहुत सी खामियां पैदा होंगी, पाखंड का बोलबाला हो जाएगा, नकली लोगों के द्वारा आम लोगों को पशुओं की तरह हांका जाने लगेगा, राजनीतिक लोग पाखंडी धर्माचार्यों के माध्यम से अपना स्वार्थ पूरा करेंगे। बहुत अंशों में ऐसा हो भी रहा है, इसी कारण हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि बाबाओं ने करोड़ों रुपयों की संपदा बना ली, स्त्रियों का यौन शोषण किया और तरह तरह के घोटाले किए, वे राजनीतिक दलों के प्रचारक बन गए, जबकि धर्म व्यक्तिगत विषय है और राजनीति से ऊपर है। प्रश्न छठवां, जहां धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है, तर्क सहित व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, हम इस सूक्ति कथन से पूर्णतः सहमत हैं। यदि धर्म पर थोड़े से लोगों का कब्जा हो जाता है तो फिर वे उसे मनमाने तरीके से उपयोग करते हैं। दूसरा, धर्म के मर्म को नहीं जानता, इसलिए जानने वाले उसके अज्ञान का अनुचित फायदा उठाने लगते हैं। पर आज धर्म अपने वास्तविक अर्थों के साथ आम आदमी से जुड़ता है तो उससे मनुष्य समाज का विकास होता है। व्यक्ति का करुणा, परोपकार, दया, सेवा, अहिंसा, प्रेम, सहयोग और बंधुत्व के गुणों से युक्त होकर उत्तम समाज का निर्माता बन सकता है। प्रश्न सातवां, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। क, वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या? उत्तर, इसका आशय यह है कि अब ऐसा समय आ गया है कि थोड़े से वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों के पास ही धर्म का ज्ञान और व्यवस्था केंद्रित हो गई है। वे ही उसके मर्म और रहस्यों के ज्ञाता बन गए हैं और आम लोगों के प्रति उनका रवैया यह है कि वे उन्हें धर्म से शिक्षित नहीं करना चाहते, बल्कि इस माध्यम से उन्हें ठगना चाहते। और अब खा, अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। उत्तर, इसका आशय यह है कि जो लोग धर्म को जरा भी नहीं समझते, उन्हें भले ही धर्म का दायित्व न दिया जाए, पर जो इसके महत्व को समझते हैं और योग्यता रखते हैं, उन्हें धर्म के मर्म को जानने
और उसे समाज तक पहुंचाने का अधिकार है। गा, हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। इसका उत्तर है, आशय यह है कि जो लोग आज धर्म के ठेकेदार बने घूमते हैं उनके पूर्वज अवश्य ज्ञानी थे, पर अब ये लोग उनकी ज्ञान की आड़ में अपने अज्ञान को भी ज्ञान बनाकर बांटते फिर रहे हैं। स्वयं तो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते और दूसरों को जानने भी नहीं देना चाहते, उस पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। और अब हम तीसरी कहानी ढेले चुन लो के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है? तो इसका उत्तर है, वैदिक काल में हिंदुओं में इस तरह की लॉटरी चलती थी कि कोई हिंदू युवक विवाह करने के उद्देश्य से जब किसी कन्या के पिता के घर जाता था तो वह अपने साथ मिट्टी के कुछ ढेले ले जाता था, उन्हें कन्या के सामने रखकर उससे चुनने के लिए कहता था। इन ढेलों की मिट्टी अनेक जगहों से जमा की गई होती थी, जैसे कि शमशान की मिट्टी, खेत की मिट्टी, वेदी की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी। यदि कन्या गौशाला से लाई मिट्टी का ढेला उठा लेती थी तो उससे जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान होगा, यानी उसके बाद बहुत से पशु होंगे, ऐसा माना जाता था। यदि वेदी की मिट्टी उठा ले तो इसका मतलब है कि उसका पुत्र जो है वह विद्वान होगा, पर अगर वो शमशान की मिट्टी वाला ढेला चुन ले तो फिर उसे बड़ा अशुभ माना जाता था। लेखक ने इस प्रथा की तुलना लॉटरी से की है। तात्पर्य यह है कि कन्या के गुणों, विचारों और व्यक्तित्व को नकार कर इस तरह के अवैज्ञानिक तरीके से कन्या का मूल्यांकन वैदिक काल में किया जाता था। प्रश्न दूसरा है, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। उत्तर है, दुर्लभ बंधु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है। इसका एक पात्र पुरुष ही है, उसके सामने तीन पेटियां रख दी जाती हैं, एक सोने की है, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। इनमें से एक में पुरुषरी की प्रतिमा भी रखी गई है। जो युवक आते हैं उनसे कहा जाता है कि वह उनमें से कोई एक पेटी को चुन ले। एक अकड़वाज व्यक्ति सोने की पेटी को चुनता है पर उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता, उसे खाली हाथ जाना पड़ता है। दूसरा लोभी व्यक्ति चांदी की पेटी को चुनता है, उसे भी कुछ नहीं मिलता। तीसरा सच्चा और परिश्रमी है, वह लोहे की पेटी को चुनता है, उसमें से पुरुषरी की प्रतिमूर्ति निकलती है, लिहाजा उसे पहला पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न तीसरा, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है, पहला, यदि वेदी की मिट्टी का ढेला कन्या उठा ले तो माना जाता था कि उसकी संतान वैदिक पंडित होगी। दूसरा, यदि खेत की मिट्टी का ढेला कन्या उठा ले तो माना जाता था कि उसकी संतान जमींदार होगी। तीसरा, यदि शमशान की मिट्टी का ढेला उठा ले तो माना जाता था कि अशुभ होगा। प्रश्न चौथा, मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। पत्थर पूजे हरि मिले तो पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। उत्तर है, मिट्टी के ढेलों के माध्यम से उपयुक्त वधु का चुनाव करना नितांत मूर्खता है। कबीर ने इसीलिए कहा है कि पत्थर के पूजने से ईश्वर नहीं मिलता, उस पत्थर की तुलना में चक्की का पत्थर कहीं ज्यादा उपयोगी होता है, जिसमें अनाज पीसने से भोजन मिलता है। तात्पर्य यह है कि मिट्टी के ढेलों से यह तय नहीं किया जा सकता कि वो कौन सी वधु उपयुक्त होगी। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। क, अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिश्चर और बृहस्पति की
कल्पित चाल के हिसाब से भरोसा करना क्यों अच्छा है? उत्तर है, इसका आशय यह है कि लेखक ने तर्कहीन विश्वासों पर कटाक्ष किया है। जिस तरह मिट्टी के ढेलों से कन्या का भविष्य तय नहीं हो सकता, उसी तरह लाखों करोड़ों कोस दूर के ग्रहों के कारण भी मनुष्य का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। वह हिसाब किताब भी काल्पनिक ही होता है। ख है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस के तेज पिंड से। उत्तर है, इसका आशय यह है, यह वात्स्यायन का कथन है, जो दिखाई देता हो, हमारी पहुंच में हो और हमारे लिए उपयोगी हो, वह कल्पना की अधिक कीमती वस्तु से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। तो यह थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की गद्य रचना सुमिरनी के मनके के अंतर्गत तीनों कहानियों के आधार पर तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तर। अगली बार हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का परिचय करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।